हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज आठवां चैप्टर होगा, जीव जनन कैसे करते हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो पुराने वीडियो को देख ले। इससे पहले 7 वीडियो दोस्तों बना चुके हैं, आज जो है आठवां वीडियो होगा जो जीव जनन कैसे करते हैं, इनके सारे सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विखंडन विधि द्वारा किस जीव का जन्म होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विखंडन विधि द्वारा जो है अमीबा का जन्म होता है दोस्तों, और दोस्तों पैलेनेरिया का जन्म जो होता है रीजेनरेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, रीजेनरेशन के द्वारा पैलेनेरिया का जन्म होता है। और एक होता है दोस्तों हाइड्रा, हाइड्रा को जो जन्म होता है दोस्तों ये मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो विखंडन विधि, रीजनरेशन या पुनर्जनन विधि या मुकुलन विधि, इन तीनों को समझते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ अमीबा का चित्र आपके सामने खुल चुका है। विखंडन विधि क्या होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है तो उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण में अमीबा को दिया गया है दोस्तों। ये दो कोशिका में टूट रहा है, इसीलिए इसे द्विखंडन बोलते हैं दोस्तों। अगर बहुत सारे कोशिका में टूटता तो इसे बहुविखंडन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक प्लेनेरिया का जीव है, धीरे धीरे जो है ये दो टुकड़ों में, यहाँ से दो टुकड़ों में अलग हो गया दोस्तों। इसे ही विखंडन बोलते हैं दोस्तों। ये दो टुकड़ा में टूटा है इसीलिए इसे द्विखंडन कहते हैं। तो विखंडन मेरे ख्याल से दोस्तों समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं प्लेनेरिया। दोस्तों जैसे प्लेनेरिया का आपको बताया कि ये जो है रीजनरेशन के द्वारा इनका जन्म होता है, रीजनरेशन या पुनर्जन्म। ठीक है दोस्तों, रीजनरेशन, जेनरेशन या पुनर्जन्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, रीजनरेशन या पुनर्जन्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, अगर बाय मिस्टेक से अगर दोस्तों किसी कारणवश कुछ टुकड़े, दो या तीन टुकड़े में अगर ये टूट गया, ठीक है दोस्तों, तो जो टूटा हुआ भाग है दोस्तों ये धीरे धीरे जो है विकसित होने लगता है। और धीरे धीरे जब विकसित होकर एक नए जीव के रूप में, एक नए प्लेनेरिया के रूप में विकसित हो जाता है दोस्तों, इसे ही बोलते हैं रीजनरेशन या पुनर्जनन। तो ठीक है दोस्तों, तो पैलेनेरिया जो है रीजनरेशन के द्वारा दोस्तों ये बाय चांस होता है दोस्तों। अगर बाय चांस टूट गया तो ये फिर से निर्माण हो जाएगा, जिसे दोस्तों रीजनरेशन या पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हाइड्रा का मुकुलन विधि। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रा का खुल गया दोस्तों, हाइड्रा का चित्र, ये मुकुलन विधि द्वारा होता है दोस्तों। मुकुलन विधि में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके शरीर के किसी स्थान पर दोस्तों उभार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके शरीर के किसी, हाइड्रा के शरीर के जो भी है दोस्तों, जो भी मुकुलन विधि द्वारा होता है उसके शरीर में उभार आ जाता है, और इसी उभार को मुकुल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी उभार को मुकुल बोलते हैं, और ये धीरे धीरे विकसित हो जाता है दोस्तों। और विकसित होकर जो जब संपूर्ण विकसित हो जाता है दोस्तों, तब ये वाले जीव से ये अलग हो जाता है और दो जीव निर्माण हो जाता है, फिर अलग एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इसे ही मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो विखंडन विधि द्वारा जो जन्म होता है वो अमीबा का जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, विखंडन विधि द्वारा जो है अमीबा का जन्म होता है, और हाइड्रा का अभी देखा मैंने, ये मुकुलन विधि द्वारा इसका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और पैलेनेरिया का जो जन्म होता है दोस्तों, पैलेनेरिया का जो जन्म होता है ये रीजनरेशन या पुनर्जनन के द्वारा जो है इसका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प में स्त्री जनन अंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पुष्प में जो स्त्री जनन अंग होगा दोस्तों उसे बोलते हैं स्त्री केसर। यहाँ पे अगर पुष्प में नर जनन अंग को पूछता दोस्तों तो पुंकेसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव में पाचन, शोषण एवं जनन की क्रिया में कितने कोशिका भाग लेती है। ऑब्वियसली दोस्तों, एक कोशिका जीव है तो ऑब्वियसली एक ही कोशिका भाग लेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पूछा है दोस्तों, महिला में अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला के अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो दोस्तों एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये अंडवाहिनी में रहता है दोस्तों, और ये रिलैक्सिन का काम होता है दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है दोस्तों, ताकि बच्चा जो है आसानी से निकल सके, ठीक है दोस्तों। ये जन्म के समय, बच्चे का जन्म के समय मदद करता है दोस्तों रिलैक्सिन, ठीक है दोस्तों। और ये प्रोजेस्टेरोन का जो कार्य होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन का जो कार्य होता है ये स्तन के वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। रिलैक्सिन का काम होता है दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है बच्चे के जन्म के समय, ताकि बच्चा आसानी से निकल सके, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो महिला के अंडाशय में कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों? तो रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगर पुरुष के वीर्यसन में पूछेगा दोस्तों, पुरुष के वीर्यसन में, तो पुरुष के वीर्यसन में जो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है ना दोस्तों, हम लिख देते हैं टेस्टोस्टेरोन है ना दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ठीक है दोस्तों। एंड्रोजन ये जो है ये दो हार्मोन पुरुष के वीर्यसन से निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों किसी भी तरह। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है दोस्तों वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। ये किस प्रकार से होता है समझ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे मादा है दोस्तों, यहाँ पे नर है, तो मादा के जो गुणसूत्र में जो है दोस्तों, उसके ईग्स में जो अंड जो होते हैं दोस्तों, उसमें 22 गुणसूत्र प्लस एक एक्स रहता है दोस्तों, ठीक है। और पुरुष के जो वीर्यसन से जो स्पर्म में जो निकलता है दोस्तों, स्पर्म, ठीक है दोस्तों, तो स्पर्म में जो होता है दोस्तों 22 प्लस वाई या एक्स, ठीक है दोस्तों। अगर ये नर के इससे वाई जाएगा दोस्तों, जब इन दोनों का मिलन होता है दोस्तों, स्पर्म और अंड का जब मिलन होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के पश्चात दोस्तों शिशु का निर्माण होता है दोस्तों। अगर नर के इससे वाई जब जाएगा गुणसूत्र दोस्तों, तो ये लड़का पैदा होगा एक्स वाई, ठीक है दोस्तों। अगर नर के इसमें एक्स जाता है दोस्तों, तो एक्स एक्स जो कि लड़की पैदा होगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बच्चों का लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर युग्मक को कहा जाता है, तो दोस्तों नर युग्मक को जो कहते हैं दोस्तों, उसे शुक्राणु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और मादा युग्मक को जो कहते हैं दोस्तों, उसे अंडाणु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु, ठीक है दोस्तों, जो वीर्यसन से निकलता है। वीर्यसन जो जो दोस्तों नर के कमर के नीचे दोस्तों दो बॉल आकार के रहता है, उसे वीर्यसन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो वीर्यसन से जो है दोस्तों, ये शुक्राणु वीर्यसन में बनता है, और उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से, वीर्यसन का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, ठीक है दोस्तों। और इसका काम होता है शुक्राणु बनाना, ठीक है दोस्तों। और जो मादा युग्मक में जो होता है दोस्तों, उसमें अंडाणु होता है, ठीक है दोस्तों। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो दोस्तों निषेचन होता है, और निषेचन के बाद दोस्तों शिशु का बनना, विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नर युग्मक को कहा जाता है, पूछेगा दोस्तों, तो नर युग्मक को कहा जाएगा शुक्राणु, और जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नर युग्मक पूछा है तो शुक्राणु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तना का रूपांतरित रूप पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तना का रूपांतरित रूप जो है आलू, हल्दी और अदरक, तीनों हो जाएगा दोस्तों। मिस्टेक से दब गया दोस्तों हल्दी, लेकिन यहाँ पे तीनों हो जाएगा। और एक दोस्तों केसर भी होता है जो तना का रूपांतरित रूप है, तो इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?
दोस्तों यहाँ पे मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है दोस्तों, महिला का जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? तो दोस्तों अंडाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बवाहिनी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अंडाशय, डिम्बवाहिका और गर्भाशय, ये तीनों दोस्तों महिला जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का भाग है, जबकि शुक्रवाहिका नहीं है। तो यहाँ पूछा है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्रवाहिका, ये पुरुष का जनन अंग का भाग है दोस्तों शुक्रवाहिका, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार का जनन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन से जनन जनन करता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों विखंडन तो हम लोगों ने समझ लिया, और खंडन क्या होता है दोस्तों? खंडन का उदाहरण है दोस्तों स्पाइरोगायरा, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा स्पाइरोगायरा। और खंडन क्या होता है दोस्तों? ये जीव विक्स, ये जो खंडन जो होता है दोस्तों, ये स्पाइरोगायरा क्या होता है दोस्तों? ये जीव विकसित होता है स्पाइरोगायरा और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जीव जब विकसित होता है स्पाइरोगायरा, ठीक है दोस्तों, यानी ये स्पाइरोगायरा उदाहरण है दोस्तों खंडन का। और ये इस प्रकार के जीव जो दोस्तों विकसित होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये टुकड़ा वृद्धि होकर नए जीव का निर्माण करता है दोस्तों। ये जैसे जीव है स्पाइरोगायरा का, ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और नया जो है जीव का निर्माण करेगा, विकास होकर फिर से एक स्पाइरोगायरा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो एक ये खंडन हो गया दोस्तों। यहाँ पूछा एक कोशिकीय जीव किस प्रकार जनन करता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पराग कोष में होते हैं, ठीक है दोस्तों, पराग कोष में क्या होते हैं? दोस्तों पराग कोष में परागकण होते हैं, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर के सहायक जनन नलिका में क्या शामिल होता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है नर के सहायक जनन नलिका में क्या शामिल होता है? तो नर के जो सहायक जनन नलिका है दोस्तों, उसमें शुक्रजनक नलिका, शुक्रवाहिका और वीर्यसन तीनों शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। इसे ही बोलते हैं नर्स के सहायक जनन नलिका में क्या शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे अभी बताया दोस्तों, अंडाणु जो महिला में होता है, ठीक है दोस्तों, अंडाणु का काम होता है अंड का निर्माण करना, और पुरुष में जो है दोस्तों वीर्यसन का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, और जब ये दोनों मिलते हैं दोस्तों तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है और इस प्रकार जो है बेबी का निर्माण होता है। और ये जो वीर्यसन जो है दोस्तों, इससे जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, परखनली शिशु में किस प्रकार से शिशु का विकास होता है? ठीक है दोस्तों, परखनली शिशु में भ्रूण का प्रयोगशाला में निषेचन तथा बाद में गर्भाशय में स्थापित करना, भ्रूण में शिशु का विकास, परखनली के अंदर शिशु का विकास, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों याद रखिएगा, भ्रूण में प्रयोगशाला में निषेचन होता है और बाद में इसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भ्रूण में प्रयोगशाला में निषेचन होता है तथा बाद में गर्भाशय में स्थापित कर देता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुकोशीय जीव किस विधि द्वारा वृद्धि होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मानव शुक्राणु या मानव अंड में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शुक्राणु या मानव अंड में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है दोस्तों, 23 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। किस प्रकार से दोस्तों? जो मानव शुक्राणु या मानव अंड दोस्तों, ये महिला में होता है मानव शुक्राणु, ये पुरुष में शुक्राणु होता है, ठीक है दोस्तों। तो शुक्राणु में जो है 23 जोड़े निकलेगा शुक्राणु से ये गुणसूत्र, और मानव अंड में जो दोस्तों 23 जोड़े होता है, सॉरी दोस्तों 23 होता है, 23 जोड़े नहीं होगा दोस्तों, 23 जोड़े इसीलिए नहीं होगा, 23 जोड़े होगा तो 96 और 96 92 हो जाएगा दोस्तों, अगर अच्छा से समझा देते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मानव शुक्राणु में जो है 23 गुणसूत्र होते हैं और
महिला में जो होता है, मादा में, मानव अंड में, उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और यही दोनों मिलकर जो है 46 बनता है और जो है शिशु का निर्माण होता है। दोस्तों अगर यहाँ पे मानव शुक्राणु में 46 अगर गुणसूत्र होगा और मानव जो मादा अंड है उसमें भी 46 होगा तो 92 न हो जाएगा दोस्तों, जो कि गलत है। इसीलिए अगर सिर्फ पूछेगा मानव शुक्राणु या मानव अंड में, यहाँ पे और रहता दोनों मिला के तब 46 होता, लेकिन मानव शुक्राणु या मानव अंड पूछेगा दोस्तों, सिर्फ ये रहता दोस्तों मानव शुक्राणु में, ठीक है दोस्तों। तो अगर सिर्फ ये रहता कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं तो भी 23 होता, ठीक है दोस्तों, या फिर मानव अंड में कितने गुणसूत्र होते हैं तो भी 23 होता, ठीक है दोस्तों। लेकिन पूछता कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब उसका आंसर होता दोस्तों 46, ठीक है दोस्तों। तो इसका उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडाशय कितने हिस्सों में स्थित रहता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मादा में जो अंडाशय होता है दोस्तों दो भाग में स्थित होता है, ठीक है दोस्तों, और ये दो भाग में स्थित होता है और प्रत्येक महीना अंडा दोस्तों मैच्योर होता है, ठीक है। और इस बीच अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म से मिलन होता है दोस्तों, तो निषेचन होने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मानव मादा में अंडाशय जो है दो हिस्सों में स्थित रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है तो दोस्तों अंडाशय, ठीक है दोस्तों, गर्भनाल और गर्भाशय, ये तीनों जो है महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, जबकि वीर्यसन जो है दोस्तों वो पुरुष से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर्यसन, इसे दोस्तों टेस्टीज बोलते हैं इंग्लिश में, इसे टेस्टीज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर्यसन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में उभयलिंग जीव है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फीता क्रीम, केचुआ और सितार मछली, तीनों दोस्तों उभयलिंग जीव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, मेढक भी दोस्तों उभयलिंग जीव है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भ्रूण अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भ्रूण जो है, भ्रूण में जो शिशु होता है दोस्तों, वो अपना भोजन जो है प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों, बस आज भर इतना ही था क्वेश्चन दोस्तों, ठीक दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, इधर उधर से आवाज़ आता है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो जो है आज भर के लिए इतना ही दोस्तों, आज भर के लिए धन्यवाद।